हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सवाल था, रेडियो संगवारी डैश का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या फिर बिहार? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। चलिए आज का पहला सवाल। भारत और विदेश के 1500 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने डैश में Y20 परामर्श में भाग लिया। IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रोपड़ या फिर IIT दिल्ली? इसका उत्तर है ऑप्शन बी IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2040, 2050, 2060 या फिर 2070? तो सही आंसर है ऑप्शन डी 2070। अगला प्रश्न, पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2021, 2020, 2019 या फिर 2018? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2021। अगला सवाल, ओपेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? घूस, पेट्रोलियम, बागवानी या फिर पर्यावरण? आंसर होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार यानी NSA किसके द्वारा शुरू किया गया था? नीति आयोग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या फिर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। नेक्स्ट सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डैश में एक वॉकथॉन कार्यक्रम आयोजित किया। पुणे, बेंगलोर, कोची या फिर नई दिल्ली? जवाब होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न, वर्तमान में नाटो का महासचिव कौन है? डेविड माल्पस, जेन स्टोल्टेनबर्ग, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा या फिर रेबेका ग्रिनस्पैन? इसका उत्तर है ऑप्शन बी जेन स्टोल्टेनबर्ग। अगला सवाल, द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से, मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से या फिर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC किसका सदस्य है? विश्व बैंक समूह, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ओपेक या फिर विश्व व्यापार संगठन? जवाब होगा ऑप्शन ए विश्व बैंक समूह। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड यानी NLCIL किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कोयला मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय?
तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयला मंत्रालय। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए भारत को कितने वर्षों के लिए चुना गया है? ए एक वर्ष, बी दो वर्ष, सी तीन वर्ष या फिर डी चार वर्ष। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।